हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नितिज किचन। आज हम बनाने वाले हैं पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैंने पालक ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप बेसन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी यूज कर ले सकते हैं। किसी को लहसुन पसंद नहीं है तो आप इसमें लहसुन मत डालिए। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा और अजवाइन। इसमें हमें डालना है काला नमक और लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च सूखी हुई, इसको मैंने कूट लिया है। कूट के मैंने इसमें डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डाल दी धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है चावल का आटा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मक्का का आटा मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप आपके टेस्ट के अनुसार ले लीजिए। अब हमें इसे मैश करना है। पालक में पानी रहता है इसलिए हमें इसमें बिना पानी डाले हुए पहले हम इसे मैश करेंगे। हमें इसे अच्छे से मैश करना है। देखिए इसमें सभी सामान मिक्स हो गए हैं। पालक पानी छोड़ता है दबाने पर, इसलिए हम बिना पानी डाले पहले हमें इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा और इसको गीला करेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच के अनुसार इसमें मैंने इसमें पानी डाला है। मैंने थोड़ा सा और बेसन बचाया था, वो बेसन भी मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने पूरा 1 कप बेसन लिया था तो आधा कप पहले डाल दिया था और आधा कप अब डाल दिया है। अब हम इससे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी पकौड़े के लिए तैयार हो चुका है। आपको लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें करीब 4 से 5 चम्मच पानी यूज किया है। देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये चम्मच में आ रहा है, ऐसा ही आपको लेना है। सर्दियों का सीजन चालू हो गया है तो अब पालक भी आना शुरू हो गया है, तो हम पालक के पकौड़े बनाना आपको बता रहे हैं। हमें ऐसे बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं। मैंने तेल लिया है, तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तेल में डाल देंगे। तेल का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब हम छोटे छोटे पकोड़े बना बनाकर इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे बॉल्स हमें इसमें लेनी है। इससे हम इसका फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है ताकि पकोड़े की सिकाई अंदर से अच्छी हो। अब हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये दोनों साइड से अंदर से अच्छे से सिक जाए। हमें इसे कम से कम 5 मिनट तो इसे सिकने में लगेंगे ही। अब हम इसे कुलचे से हम इसे पलट देंगे। देखिए हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है, ये अच्छे से सिक गई है। मैंने इसे दोनों साइड से सेक लिया है। आप इसे आपके अकॉर्डिंग इसे आप सेक सकते हैं। अब हम इसे झारी से निकाल लेंगे। झारी में इसका तेल निकल जाएगा इसलिए मैंने इसको झारी में लिया है। मैंने सारी पकौड़ी झारी में ले ली है। अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे। इसका थारा तेल निकल गया है। मैंने इसको बटर पेपर पे डाल दिया ताकि सारा तेल ये पेपर इसका सोख ले। ऐसे ही हम और पकौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी पकौड़े बनाकर मैंने तैयार कर ली है। देखिए फ्रेंड्स हमारी पकौड़ी कितनी अच्छे बनकर तैयार हुई है। तो पालक के पकौड़े आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। सर्दियों का मौसम है, अभी पालक का सीजन चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पकौड़े दिखा रही हूँ। मैं इसको बीच में से तोड़कर भी आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे सॉस से या हरी चटनी से खाइए, देखिए वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरी रेसिपी को आप, तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।